हेलो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, दिस टाइम वी आर डूइंग फॉर क्लास 8th एक्सरसाइज 2.4। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर अभी हम कर रहे हैं 8। आसान है बिल्कुल। क्वेश्चन में क्या है, लेट अस सी। हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ ए डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, नोट द टोटल रिमेनिंग, यानी कि हाफ बच गए हैं तो उसका 3/4 जो है वो आसपास खेल रहे हैं। द रेस्ट 9, यानी कि इतना होने के बाद भी 9 बच गए हैं। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पोंड, बचे हुए 9 है वो पोंड में पानी पी रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, आपको टोटल नंबर ऑफ डियर जो हर्ड के अंदर झुंड में है वो बतानी है ना। आसान, समझ में आ गया ना। हाँ तो समझ में आ गया है तो फिर फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। इसके लिए आप नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दीजिए, कमेंट कीजिए कुछ अगर कहना चाहते हैं तो चलिए करते हैं इसको। सॉल्यूशन 8, लेट द टोटल नंबर ऑफ डियर, अगर हम x मान लें तो, अगर हमने ये x माना है तो फिर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में आधे जो डियर है, हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ ए डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, लिख देते हैं पहले ताकि कोई दिक्कत ना आए। डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड, वो कितने हैं, हाफ, यानी कि x बाय 2। डियर प्लेइंग नियर बाय, जो आसपास खेल रहे हैं डियर वो है कितने, वो है 3/4 किसके ऑफ द रिमेनिंग, हाफ ग्रेजिंग कर रहे हैं, बचे कितने, हाफ, हाफ के 3/4, यानी कि 3 ऊपर आ गया एक्स, 4 × 2 = 8, इतने आसपास खेल रहे हैं। और डियर ड्रिंकिंग वाटर रिजल्ट 9, आर आर लगा सकते हैं आप, नहीं तो मैथ में नहीं चलता है अपना। डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, डियर आर प्लेइंग नियर बाय, डियर आर ड्रिंकिंग वाटर इज इक्वल टू 9। ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब कंडीशन लगा देंगे। कंडीशन में है, जब हम इसको इसको और इसको इन तीनों को जोड़ देंगे तो टोटल डियर बन जाएंगे ना। हाँ, एक्स बाय 2 को, 3x/8 को और 9 को, इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा बन जाएगा टोटल डियर। 9 को भी जोड़ देंगे तो हमारे बनेंगे टोटल डियर, यानी कि x। अब हम लेंगे एलसीएम, 2, 8, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, एलसीएम हुआ 2 और 8 का 8, क्योंकि 8 इसका 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 सबका मल्टीपल है। तो इसको 8 नीचे बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, इसी तरीके से यहाँ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ 8 से, क्योंकि यहाँ पे पहले ही 8 है, यहाँ 8 से किया और इसी तरीके से यहाँ पर हम 8/8 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमें मिला 4x/8, 3x/8, 72/8, 8x/8। अब हम करेंगे मल्टीप्लाइंग 8 ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग 8 ऑन बोथ साइड्स, ये जो लिख रहे हो इसके सामने आना चाहिए, जो अगर आप लाइन वाली नोटबुक में कर रहे हो तो नेक्स्ट स्टेटमेंट से पहले पहले ये पूरी ख़त्म हो जानी चाहिए, क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 8 से मल्टीप्लाई किया,
इसको 8 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई किया, कट गया ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, हमें मिला 4x प्लस 3x प्लस 72 इज इक्वल टू 8x। 4x 3x ये उधर जाएगा, 72 इज इक्वल टू 8x माइनस 4x माइनस 3x, 8x में से 4x गया, 4x 4x में से 3x गया x, तो x की वैल्यू आई हमारी 72। हैंस द टोटल नंबर ऑफ डियर इज इक्वल टू 72 आंसर। ओके स्टूडेंट्स, ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। हमने ये 8th क्वेश्चन भी कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। बाय।